दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम हैं आज जय भाई राहुल जी और हिमांशु के साथ में एक कंक्रीट की रेडीमिक्स प्लांट में और हम वो देख रहे हैं और क्योंकि जय भाई का बिज़नेस है इनको ये बिज़नेस पसंद है तो हम वही बिज़नेस के बारे में हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। ये मीन्स शहर में है और हम ये समझना चाहते हैं कि ये बिज़नेस कंक्रीट का कैसे काम करता है और बहुत ही बड़ा प्लांट है। हाँ, और अच्छी कैपेसिटी वाला है, 100% रनिंग वाला है। थोड़ी सी टेक्निक थोड़ी थोड़ी अलग है यहाँ के हिसाब से, और मतलब कुछ कुछ मटेरियल जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है इंडिया में नहीं यूज़ किया जाता, यहाँ पे यूज़ किया जाता है बट वहीं तो अलग होता है जी। और टेक्नोलॉजी भी अलग है, हीटिंग वाली टेक्नोलॉजी। अब स्नो में भी बर्फ में भी प्लांट चालू रहे उसके लिए जो गर्म पानी चाहिए होगा कंक्रीट के लिए मिक्सर के लिए सब के लिए उसके सिस्टम है पूरी अलग अलग। दो दो साइलो हैं बड़े बड़े और बेसिकली प्लांट की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। इंडिया में सबसे बड़े जो प्लांट एवरेज होते हैं जैसे कि मेरे एरिया में जो सबसे बड़ा प्लांट है आरएमसी का, वो बहुत बड़ा बिजनेस करता है करोड़ों में। उसकी प्लांट की कैपेसिटी 45 MQ की है। और ये कितना है? ये एक 70 MQ का, ये येलो वाला भी दिखा हुआ। और ये 40 का, हाँ। ये 70 MQ का और ये 40 MQ का, ये 40 MQ का। मतलब इसकी कैपेसिटी ओवरऑल एक घंटे में दोनों की मिला जाए तो 110 MQ बहुत बड़ी ये जगह होगी। और दूसरे एक प्लांट और है, हाँ, मतलब इंडिया में बेसिकली 100-200 MQ का ऑर्डर मतलब हर रोज मिलता रहे तो आदमी बहुत खुश होता है। ये तो घंटे में बना देगा 100 MQ। बहुत बढ़िया, तो ये कैपेसिटी बहुत बड़ी हो जाती है। मेरे लिए टेक्निकल चीज थी पर आपको ये समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो मतलब दिल लग गया आज बहुत अच्छा लगा। यही एक महीने के बाद वापस से डंपर देखे, एक महीने के बाद वापस प्लांट दिख रहा हूँ, एक महीने के बाद सैंड दिख रही है, कप्ची दिख रही है, अच्छा लग रहा है। बस खाली इतना लग रहा है मैं सूट बूट पहन के क्यों आया हूँ। राइट, चलो जय भाई, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। लेट्स डिसाइड अबाउट दिस, वी हैव इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, सो वी विल टॉक अबाउट इट। पूरा इंफॉर्मेशन है अपने पास, हम बात से बैठ के। राइट, बंदा अच्छा है, सारी डिटेल अच्छे से दे रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो वीडियो है ये थोड़ा टेक्निकल है और ये सिर्फ उनके इंटरेस्ट का है जिसे कंस्ट्रक्शन और इस टाइप के बिजनेसेस पसंद हैं और ये खास तौर से लोगों ने अनुरोध किया इसलिए ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है। हो सकता है आप सभी को ये वीडियो इंटरेस्टिंग न लगे, जस्ट फॉर नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड। नीचे वो मिक्सर है वो यहाँ पे खड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा तो माल बन जाएगा। इस प्लांट में ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, बड़ी सी जो ट्रक है जो कि मटेरियल लेके आ रही है, ऐसी ट्रक 4 है, उसके अलावा 8 मिक्सर वाली ट्रक हैं और बहुत सारे लोडर्स हैं और बहुत बड़ा एक डिवीज़न है। जैसे आप ये दिख रहे हैं ना कि ये जो अनलोडिंग कर रही है, ऐसी इनके पास में ऑनरशिप में ऐसी 4 ट्रक हैं, छोटी ट्रक्स भी हैं, सीमेंट की ट्रक्स भी हैं और मिक्सर के 8 ट्रक हैं जिसमें मिक्सर पीछे घूम रहा होता है। और ये बिज़नेस रेडी टू सेल है, यहाँ पे जो लैंड है वो लीज़ पे है और ऐसे इनके पास में 3 लोकेशन हैं। एक लोकेशन में इनके पास में ऑफिस और लेबोरेटरी है और 2 लोकेशन में इनके पास में 3 ऐसे रेडीमिक्स बनाने वाले प्लांट बने हुए हैं। दोस्तों तो ये डिफरेंट बिजनेस है और डिफरेंट आइडिया है। ये इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको ये फील्ड समझ में आती है, एक रेडीमेड बिजनेस जिसमें क्लाइंट बेस 35 लोगों का स्टाफ और मशीनें, कार्स, लेबोरेटरी, सभी चीज़ों के साथ में ये बिज़नेस रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। दोस्तों अंदर से ही सब कर लीजिए, ये पूरा प्लांट है। इस बिज़नेस के जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी ऑनर ने हमें शेयर किए हैं कि पिछले सालों में उसने कितना प्रॉफिट किया, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या रेंट की जो ज़मीन की जो लीज़ रेंट अमाउंट है और सब कुछ उसमें उन्होंने शेयर किया है। साथ में इसके साथ साथ एक प्लस आता है, पीछे आप देख रहे हैं सीमेंट प्लांट है जो कि सीमेंट के ऐसे ये पिलर्स बनाता है जो फाउंडेशन में काम होते हैं, ये रेडीमेड बनते हैं, ये भी उसके साथ में है। तो दोस्तों ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस था, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और मुझसे पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए,
बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया हमें। दसवीं दानिया, जय हिंद, फिर मिलते हैं।